सद्गुरु श्री ब्रह्म चैतन्य महाराज गोंदवलेकर, इनका प्रवचन 1 नवंबर। गीता सारे ग्रंथों की माता है। भगवद गीता ये सब ग्रंथों की माता है। गीता वेदों से भी श्रेष्ठ है। वेद भगवान के निश्वास से उत्पन्न हुए तो गीता भगवान के मुख से निकली है। गीता का विषय क्या है? मोह का नाश कैसे हो, इसका तात्विक दृष्टि से और साधन की दृष्टि से विवेचन, ये ही गीता का विषय है। गीता का आरंभ ही अर्जुन को मोह हुआ इस बात से होता है। इसका अर्थ ये है कि उसे कर्तापन के अभिमान से असमाधान उत्पन्न हुआ और इस कारण से उसके मन में क्या किया जाए और क्या ना किया जाए इस बात का संदेह उत्पन्न हुआ। गीता की समाप्ति अर्जुन के मोह का नाश हुआ इस बात से होती है। इसका अर्थ ये हुआ कि कर्ता परमात्मा है, ये निश्चित होने से जीव के कर्म का सुख दुख समाप्त हुआ। सचमुच गीता का रहस्य कथन किया जाए तो वो ज्ञानेश्वर महाराज जी के द्वारा ही किया जाए। भारतीय युद्ध में परमात्मा ने पीतांबर पहनकर अर्जुन के रथ पर बैठकर रणांगण में अर्जुन को गीता कथन किया। हजारों साल बाद भगवान कपड़े बदलकर आए और उन्होंने ज्ञानेश्वरी का कथन किया। ज्ञानेश्वरी ये भगवान की वाणी है, उसके कथनानुसार हमने आचरण करना चाहिए। मैं पीछे हूं, तुम आगे चलो, यही भगवान ने हम सबको इसमें बताया है। एक विवाह के योग्य लड़की अपनी सहेली की शादी में गई तो उस विवाह समारोह को देखकर उसके मन में स्वयं के विवाह के और उसमें होने वाले उत्सव के विचार आएंगे। उसी प्रकार पोथी सुनते समय उसमें वर्णित अवस्थाएं हमारे जीवन में कैसे आएंगी, इसका हमने विचार करना चाहिए। आत्मनिवेदन यानी मैं कौन हूं, ये समझना है। प्रारब्ध की गति में देह को जो सुख दुख भोगने पड़ते हैं उसमें हम हैं, ऐसा दिखाई तो दे परंतु वास्तव में हम ना हो। किसी पक्षकार का मुकदमा स्वयं का ही है, ऐसा समझकर वकील कोर्ट में विवाद करता है। उसका परिणाम कैसा भी क्यों न हो, उसका सुख दुख वो नहीं मानता। परंतु ऊपरी तौर पे अपने पक्षकार के पास वो दुख व्यक्त करता है। बिल्कुल ऐसा ही व्यवहार मैं करता हूं। व्यवहार को सत्य मानने वाले लोगों में विचरना हो तो बाहर से उनके जैसा बर्ताव करना जरूरी होता है। ऐसा बर्ताव करते समय हमारा भगवान से अनुसंधान चूकने नहीं दिया तो ये व्यवहार का खेल बन जाता है। कभी हार तो कभी जीत, इस खेल में हारे या जीते तो भी सच्चे जीवन की दृष्टि से सब समान ही है। फिर भी खेल खेलते समय उसे जीतने का अच्छी तरह से प्रयास करें। भगवान का नाम लिया तो ये युक्ति अपने आप सध जाती है। इसलिए रात दिन मैं अपने लोगों को बताता हूं कि चाहे जो हो जाए भगवान का नाम मत छोड़ो। भगवान की इच्छा से सब घटित होता है, ये भावना रखकर अपना कर्तव्य करना ही गीता का सार है। जानकी जीवन स्मरण, जय जय राम।